बड़ी खबर आ गई है, इंदौर में भारत ने दूसरा टी20 मैच जीत लिया है, सीरीज भी जीत ली है, इस साल की आखिरी सीरीज भी भारत ने जीता है। तो भारत ने टी20 सीरीज में श्रीलंका को दूसरे टी20 में भी हरा दिया, 88 रनों से जीता है भारत। रोहित ने टी20 में सबसे तेज शतक जड़ा। जी हां, भारत की जीत तो लगभग तय ही थी क्योंकि भारत ने पहले बल्लेबाजी करके 260 रन बना लिए थे। जवाब में श्रीलंका ने शुरुआत बेहद अच्छी की थी, लेकिन उसके बाद एक बार फिर युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव के जाल में फंसकर रह गई श्रीलंका की टीम, 88 रन से हार गई है ये दूसरा टी20। और इसके साथ ही टीम इंडिया ने टी20 सीरीज, इस साल की आखिरी सीरीज भी अपने नाम कर लिया है। लेकिन आपको हम ये बता दें कि आमतौर पर जब भी ये मैच खत्म होता है तो हम आपको सबसे पहले विकेटें कैसी गिरती हैं ये जरूर बताते हैं, लेकिन आज ऐसा नहीं होगा क्योंकि आज की खबर भारत की जीत है, सीरीज की जीत है, लेकिन इससे भी बड़ी खबर है रोहित शर्मा की पारी। टी20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाया है रोहित शर्मा ने, डेविड मिलर के रिकॉर्ड की बराबरी करी है। सबसे ज्यादा छक्के एक साल में अगर किसी बैट्समैन ने लगाए हैं तो वो भी रोहित शर्मा है। तो आज का दिन रोहित शर्मा के नाम। टीम इंडिया ने दूसरा टी20 मैच जीत लिया है श्रीलंका के खिलाफ, 88 रनों से जीता है टीम इंडिया ने दूसरा टी20, उसके साथ ही साल की आखिरी सीरीज भी जीत ली है। लेकिन इस सीरीज जीत से भी कहीं बड़ी खबर जो है, और वो है रोहित शर्मा टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं। रोहित शर्मा डेविड मिलर के 35 बॉलों के रिकॉर्ड की बराबरी करी आज रोहित शर्मा ने, और साथ ही साथ दुनिया के पांचवें ऐसे बल्लेबाज बने क्रिस गेल, एविन लोवेस, ब्रेंडन मैकलम और कॉलिन मुनरो के बाद रोहित शर्मा पहले भारतीय जिन्होंने टी20 क्रिकेट में दो बार शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। रोहित शर्मा 35 बॉलों पर, रोहित शर्मा की शानदार पारी। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।